एचएनआई लाइव बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश शुक्ला, एक बार फिर हाजिर हूं हर खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के थाने की अनोखी घटना। साले ने जीजा को मारने की दी सुपारी, क्योंकि जीजा का अनैतिक संबंध बारबाला के साथ था, जिसे लेकर आए दिन बहन के साथ जीजा मारपीट करता था, जिससे तंग आकर भाई बहन के पति को मारने की सुपारी 5 लाख रुपए में दे दी। मारने वाले आरोपियों ने जीजा के ऊपर जान से मारने की फायरिंग किया। बहन का पति तो बच गया, परंतु 6 आरोपियों को थाने एक्सटॉर्शन सेल ने 1 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। थाने से एचएनआई लाइव की क्राइम रिपोर्ट। 10/2019 को एमएफसी पुलिस स्टेशन जो हमारा वांदूनी है, इसके अंदर एक फायरिंग हुआ था। तो गुटू उनको मुचावर मुजिक करके केबल वाला, उसके बाद गोठा भी है, ऐसा बेकरी का भी, बेकरी भी है उसकी, ऐसा ये व्यापार करता था, उसके ऊपर फायरिंग हुआ। तो फायरिंग होने के बाद हमारी क्राइम ब्रांच की जो टीम है वहाँ पर हमने स्पॉट विजिट किया था। हमारे कदम साहब थे, हमारे कश्मीर साहब थी, हमारी पूरी टीम थी, जो उन्होंने वहाँ पे स्पॉट पे हमने पूरा वेरीफाई किया। उसके बाद हमने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ली, कुछ एनालिसिस किए, कुछ हमने जो भी विटनेसेस थे उनको भी काफ़ी सारे विटनेस थे यहाँ पे दे के उनको भी वेरीफाई किया। उसके बाद हमारे कुछ इन्फॉर्मेंट थे तो हमने उनको भी काम पे लगाया था। तो हमारे ऐसे 7 में 3-4 मुद्दों के ऊपर हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो हमारे ढकने करके एक पुलिस कर्मचारी है, उनको एक पक्का खबर मिला था कि इसके अंदर ये लोग मुगल हैं। तो हमने उन लोगों के हिरासत में लेने के बाद हमको पता चला कि ये एक सुपारी गिफ्ट का गेम है, फायरिंग सुपारी लेके फायरिंग किया गया हुआ। तो हमने उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चला कि ये सुपारी दी गई थी और इन लोगों को यूज़ किया था। इसके अंदर इन्होंने एक पल्सर जो बाइक थी वो यूज़ किया था, उसको भी हमने जब किया है। उसके बाद जो वॉचर थे उन्होंने उसका ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया था, वो ऑटो रिक्शा भी हम जल्दी ही हम उसको जब्त करेंगे। और जो इसके अंदर वेपन उन्होंने यूज़ किया था, वो वेपन ने हमने जब्त किया हुआ है। अभी उन्होंने वेपन कहाँ से लाया था, किससे खरीदा था, उसका भी हमारा इंक्वायरी चल रहा है। सर, ये फायरिंग करने का इनका उद्देश्य क्या था? मारने का उद्देश्य था, केवल डराने का उद्देश्य? नहीं, अभी वो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने को पता चला कि उनका एम उद्देश्य क्या था। तो अपना वो इसमें टोटल कितने आरोपी हैं सर? अभी तक 6 आरोपी को हमने हिरासत में लिया है, उनका PC 29 तक हमको मिला है।